नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और लेजेंडरी ट्रेडर के वीडियो में। आज की वीडियो में हम जिन सक्सेसफुल ट्रेडर के बारे में बात करने वाले हैं, उन्होंने ना सिर्फ अपना फंड $5,000 से $100 मिलियन तक पहुंचाया, बल्कि जो उनके 14 स्टूडेंट्स थे उनका फंड भी $14 मिलियन से $175 मिलियन तक पहुंचाया इन जस्ट 4 ईयर। तो जिन सक्सेसफुल ट्रेडर के बारे में हम बात करने वाले हैं, उनका नाम है रिचर्ड डेनिस। अब बात है 1989 की, जब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक आर्टिकल पेश किया गया जिसमें 14 ट्रेडर की लिस्ट थी और उन 14 ट्रेडर का जो रिटर्न था वो इनक्रेडिबल था। 80% एनुअली उन्होंने एवरेज रिटर्न लिया था, जो कि उस टाइम के सक्सेसफुल ट्रेडर थे, काफी सक्सेसफुल ट्रेडर, हेज फंड से उन सभी को बीट करके रख दिया था उन्होंने। ये बातें सभी तक पहुंच गई तो वो अपने आप को टर्टल ट्रेडर नाम दे रहे थे। अब क्वेश्चन ये आता है, आखिर ये टर्टल ट्रेडर थे कौन और उन्होंने इतना रिटर्न कैसे बनाया। इस सारी कहानी की स्टार्टिंग हुई जब 1983 में रिचर्ड डेनिस और उनके फ्रेंड विलियम के बीच में एक बेट लगी $2 मिलियन की। वो बेट कुछ इस प्रकार थी, विलियम का कहना यह था कि ट्रेडर जो है वो बनाए नहीं जा सकते, ट्रेडिंग स्किल सिखाई नहीं जा सकती किसी को, वो इनहेरेंट रहती है, इनबिल्ड होती है। बट इसके अपोजिट रिचर्ड का कहना यह था कि ट्रेडिंग एक ऐसी स्किल है जो सिखाई जा सकती है, कैन बी टॉट, एक प्रॉपर एनवायरमेंट दिया जाए और डिसिप्लिन के साथ उसको डिसिप्लिन की ट्रेनिंग दी जाए और सारा सिस्टम जो जो टैक्टिक यूज होती है ट्रेडिंग में वो सिखाई जाए, तो ये एक नॉर्मल इंसान भी सीख सकता है। फिर इस शर्त को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एक उस टाइम के न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया, तभी उन ट्रेडर्स को वेलकम है जो जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। कंडीशन ये है कि आपको फंड हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, 4 ईयर का ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसमें आफ्टर जो प्रॉफिट होगा उसका कुछ परसेंटेज आपको दिया जाएगा, मेन परसेंट रिचर्ड खुद रखेंगे और ये 1993 तक आपको ये स्ट्रेटजी ये रिवेल नहीं करना है। तो उस ट्रेडिंग सिस्टम को उन्होंने टर्टल ट्रेडिंग सिस्टम नाम दिया, इस पूरे सिस्टम को उन्होंने टर्टल ट्रेडिंग सिस्टम नाम दिया। अब टर्टल नाम आया कहाँ से, ये कोइंसिडेंस है कि जब रिचर्ड सिंगापुर गए थे वहां पे उन्होंने टर्टल की फार्मिंग देखी थी कि टर्टल बनाए जा सकते हैं और उन्हें पैदा किया जा सकता है, इसी तरह का कॉन्सेप्ट उन्होंने ट्रेडिंग में अप्लाई किया और यही बोला कि ट्रेडर भी बनाए जा सकते हैं। उन 14 स्टूडेंट्स को वो शिकागो ले गए, वहां पे 14 डेज की मास्टर क्लास दी, प्रॉपर ट्रेनिंग दी, हर एक टर्टल ट्रेडिंग सिस्टम का हर एक सिस्टम उनको बारीकी से समझाया। उसके बाद डेमो के लिए उन्होंने कुछ फंड उन्होंने दिया बैक टेस्ट के लिए। जब वो कंप्लीट तैयार हो गए तो हर एक स्टूडेंट को $1 मिलियन का उन्होंने अकाउंट दिया। उन 14 स्टूडेंट ने $14 मिलियन को $175 मिलियन में कन्वर्ट किया इन जस्ट 4 इयर्स। तो ये बिल्कुल इनक्रेडिबल है उस टाइम के लिए। और साथ साथ उन्हें ये भी बोला गया था कि 1993 तक आपको ये स्ट्रेटेजी किसी को रिवेल नहीं करनी है। बट आफ्टर 1993 जो उनका एक माइकल एक स्टूडेंट था वो टर्टल ट्रेडर था, उन्होंने एक कंप्लीट टर्टल ट्रेडिंग सिस्टम पे एक बुक लिखी। वो बुक के कुछ प्रिंसिपल एंड कुछ स्ट्रेटेजी सिंपल लैंग्वेज में आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करूंगा, ताकि आप भी एक नेक्स्ट टर्टल ट्रेडर बन सके और सक्सेसफुल हो सके, क्योंकि ये इनहेरेंट नहीं है, इसे ट्रेडिंग स्किल बनाया जा सकता है, ये सीखा जा सकता है कुछ टाइम एंड एफर्ट्स लगा के। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की ओर, समझते हैं टर्टल ट्रेडिंग सिस्टम इन सिंपल लैंग्वेज। रिचर्ड डेनिस या टर्टल ट्रेडिंग सिस्टम मेनली 2 तरह के सिस्टम पे काम करता था। फर्स्ट सिस्टम ये था कि जब भी प्राइस 20 डेज के हाई को ब्रेक करता है वो एंट्री ले लेते थे, और सिस्टम 2 बोलता था कि जब भी प्राइस 55 डेज के हाई को ब्रेक करता है देन वो एंट्री ले लेते थे। तो ये दोनों सिस्टम पे उन्होंने अच्छे से काम किया, एक स्विंग ट्रेड के लिए था, एक शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए था, और दोनों को सिस्टम को फॉलो करने लिए उन्होंने कुछ रूल्स बनाए। तो हम हर एक रूल्स को देखते हैं और समझते हैं। सबसे फर्स्ट रूल था कि फॉलो द ट्रेंड, उनका ये कहना था कि किसी भी स्ट्रोक में कभी इन क्राइटेरिया दोनों सिस्टम से एंट्री लेनी है तो फर्स्ट रूल है कि आपको ट्रेंड को फॉलो करना होगा। दिस साइड भी है, मान लीजिए हमने ट्रेंड के लिए 200 SMA प्लॉट किया है, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा जब भी प्राइस इसके ऊपर रहता है तो अप ट्रेंड है, जब प्राइस इसके नीचे रहेगा तो डाउन ट्रेंड है। तो अब उनका जो फर्स्ट सिस्टम था कि जब भी प्राइस 20 डेज के हाई को ब्रेक करता है, मान लीजिए हमने डे ट्रेंड लिया और 20 डेज यहाँ पे लगाया, ये 20 डेज लगाया, यहाँ पे हमने थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। अब 20 डेज की जो हाई की कैंडल है ये वाली है 400, तो जैसे ही 400 को प्राइस क्रॉस करेगा उनकी एंट्री हो जाएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जैसे ही प्राइस ने 400 को क्रॉस किया उसके बाद प्राइस में जो जंप आया वो काफी ज्यादा अच्छा आया, 400 टू 484, अच्छा रिटर्न मिला वहां पे। अब सेकेंड जो सिस्टम था वो था कि जब भी प्राइस 55 डेज की हाई को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे 55 डेज लेंगे, ये हमने यहाँ पे 55 डेज लिए, तो 55 डेज का जो हाई था वो 530 के अराउंड था, तो जैसे ही प्राइस ने 530 को ब्रेक किया तो वहां पे हमें एक मोमेंटम देखने को मिला है राइट प्राइस में।
तो ये दोनों सिस्टम थे जिस पे वो काम करते थे मेनली। अब यहाँ पे हम जो सेकेंड रूल था उनका स्टॉप लॉस का था, ये था कि जब भी प्राइस 10 डेज का लो ब्रेक कर देता है, मान लीजिए ये ब्रेकआउट कैंडल है, हम 10 डेज इधर जोड़ लेते हैं, यहाँ ये 10 डेज का लोवेस्ट लो क्या है ये वाला, तो इसके नीचे उनका SL रहता था राइट। जब भी वो ब्रेकआउट कैंडल वाली है उसके आप 10 डेज इधर ले जाओगे तो वहां पे जो लोवेस्ट लो बनता है उनका SL होता था सिस्टम फर्स्ट में। और सिस्टम सेकेंड में उनका था कि जब भी प्राइस 20 डे के लोवेस्ट लो को ब्रेक कर देता है तो वो एग्जिट कर लेते, तो वो उनका SL होता था। यहाँ पे हम देखते हैं 20 डेज यहाँ से प्लॉट करते हैं, अब इस रेंज को ले गए हम, इसका जो लोवेस्ट लो है आई थिंक ये इस कैंडल के नीचे बनता है 460 के नीचे, तो 460 के अराउंड इनका SL होता था। तो इस तरह से वो सेल प्लॉट करते थे सिस्टम में दोनों सिस्टम। थर्ड मेन रूल था उनका ये था कि वो डाइवर्सिफाइड मार्केट में ट्रेड करते थे, ऐसा नहीं है वो मेनली कमोडिटी में करते थे, वो इक्विटी फ्यूचर एंड जितने भी तरह के सेगमेंट होते हैं फॉरेक्स करेंसी सभी में ट्रेड करते थे, और सभी में जो रिस्क एपेटाइट थी वो अलग अलग थी क्योंकि वॉलेटिलिटी के अकॉर्डिंग वो पोजिशन साइजिंग करते थे। तो फोर्थ रूल यही है उनका कि जो पोजिशन साइजिंग करते थे एक उनका क्राइटेरिया फिक्स था, उसके अकॉर्डिंग वो हर एक सेगमेंट में पोजिशन साइजिंग करते थे, रिस्क लेते थे। तो ये चारों रूल थे जो मैनली वो फॉलो करते थे और उनके सिस्टम पे काम करते, यही सिस्टम पे काम करके उन्होंने काफी ज्यादा पैसा बनाया मार्केट में, और वो 14 स्टूडेंट्स ने भी काफी ज्यादा पैसा बनाया। तो सिस्टम काफी सिंपल है बट जो रूल्स हैं वो काफी डिफिकल्ट है फॉलो करने। रिचर्ड डेनिस एक बार इंटरव्यू पूछा भी गया था कि कभी ये सब जगह रिवेल हो जाए तो ये स्ट्रेटजी सब फॉलो करके सभी मिलियनर बिलियनर बन सकते हैं, बट डेनिस का कहना तो ये था कि मैं ये न्यूज़पेपर में भी प्रिंट कर दूं चाहे तो भी कुछ ही लोग उसको फॉलो कर पाएंगे, सबके बस की बात नहीं है। ये रूल पेशेंस रखना पड़ता है, रूल फॉलो करना पड़ता है, सारी चीजें करना पड़ती है, ये बहुत डिफिकल्ट है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको सीखने का जरूर मिला होगा। आप जरूर लाइक कमेंट जरूर कर सकते हैं क्योंकि इसमें बनाने में तुमको काफी टाइम लगता है बट लाइक कमेंट करने में आई थिंक 1 या 2 सेकंड लगते होंगे। आई होप इट गिव्स यू वैल्यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।